हेलो। देखिए, गुड मॉर्निंग। ये आज देखिए सुबह के 4 बजे उठकर अपना सब पानी वानी पी रही हूँ गर्म करके, क्योंकि 4 बजे से उठकर बहुत सारा पहले काम की, काम करने के बाद से फिर मैं आ गई हूँ पानी पीने के लिए, क्योंकि आज बहुत सारा काम था। इसके लिए मैं फटाफट पानी पीकर मैं यहाँ पर अपने लिए कॉफ़ी बना रही हूँ। घर में दूध नहीं, थोड़ा सा दूध था तो यही है कि हम थोड़ा सा, फिर ये लोग आ गए थे बाहर तो किचन में ये लोग घूमते रहते, तो वही उन्हीं लोग के साथ थोड़ा सा उसको खिला ली, प्यार कर दी उसको। अब यहाँ पे मैं अपने लिए कॉफ़ी ले ली, अब थोड़ा कॉफ़ी पे पी कर फिर आप लोग से मिल रही हूँ। फिर मैं आ गई हूँ किचन में खाना पकाने के लिए। तो जो नेनुआ है, नेनुआ कट करके रखी थी तो उसको पहले छौंका लगा दी, क्यों फिर ये दाल है तो दाल में प्याज टमाटर मसाला सब रख दी। वहाँ रखने के बाद फिर मैं नहाने चली गई, नहा कर मैं आ कर अपना पूजा वूजा अच्छे से की, क्योंकि पहले पूजा कर लेते हैं तो कर लेती हूँ, उसके बाद से पूरा दिन मैं फ्री लगती हूँ। एवरीवन गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। से तो 4 बजे उठी थी, 4:30 बजे, लेकिन करते करते कैसे भी करूँ तो भी 12-1 बजे जाता है काम। तो अभी काम मेरा मतलब अभी पूजा करके तुरंत उठ रही हूँ, या खाना पका रही हूँ। खाना में जैसे दाल और सब्जी हमने रख दिया था पहले नहाने से पहले, अब जा रही हूँ और कुछ करे, पहले अपना पेट पूजा कर लूँ। वेलकम बैक टू माई चैनल, बोलना भूल जाती हूँ बार बार। चलिए अपना दिनचर्या शुरू करें हम। ऐसे तो सुबह से चालू है, इसमें कुछ हम काम ऐड किए हैं, कुछ नहीं क्लिप आई क्लिप तो अगला वीडियो में दिखेगा। चलिए मिलते हैं अपने सीधे अपने कहाँ किचन में। फिर पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ फिर से किचन में, तो यहाँ पे सब्जी भी देख रही हूँ और 2 रोटी बना ली पहले अपने लिए, कि पहले मैं नाश्ता कर लूँ उसके बाद से कुछ काम करूँगी, क्योंकि सबका हो चुका था। फिर मैं अपना नाश्ता करके आ गई हूँ रोटी बनाने के लिए। इनको टिफिन मुझे भेजना था तो मेरा रोटी भी बनकर हो गया, बना लिया फटाफट, उसमें घी लगा के रख दूँगी। यहाँ एक तरफ ना दाल खा ली, मतलब दाल उसमें दूसरे में रख कर फिर मैं उसी में जैसे मतलब धो कर उसमें चावल रख दी। यहाँ पे थी जो करेला का कलौंजी बनाने के लिए भरवा, मतलब भर के बनाने के लिए उसका मसाला तैयार करके, फिर अब इसको गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल दी कि जो उसका कड़वाहट होता है तीतापन वो ख़त्म हो जाएगा। फिर वही कढ़ाई में मैं जिसमें नेनुआ बनाई थी वो कढ़ाई धो कर फिर मैं वापस उस तरह पे कर दूँगी अपना करेला का। इधर तब तक मैं अपना मसाला भूनूंगी, तब तक मेरा वो थोड़ा सा उबल कर तैयार हो जाएगा, क्योंकि करेली बहुत मतलब बहुत ताज़ा था, बहुत अच्छा ही था, तो इसके लिए मुझे ज़्यादा उबालना नहीं पड़ा उसको। जा थोड़ा सा गर्म पानी में घसरी करवाहट के लिए, तब तक देख रही हूँ कि मेरा तेल ख़त्म हो चुका है ढाबा में। तो फिर बेटा को बोली कि आ जा ये तेल निकाल दो, हम लोग तेल मैं उसमें डाल देती हूँ, बाकी मैं उसमें रखूँगी, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा मैं निकालती हूँ। आजकल ना बहुत ज़्यादा ही तेल हो जा रहा है सब्जी में अचानक, मतलब अजीब। अब फटाफट वो लोग बोलते हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भेजो, तो पता ही है थोड़ा सा तेल रहता है तो उसमें जल्दी ही सब्जी बन जाता है, तब इसकी वजह से तेल ज़्यादा हो जा रहा है। तो आज मुझे फुल टाइम मिला है तो मैं अपने लिए ये थोड़ा सा अच्छे से करने, तो कल भी रात को भी एकदम परेशान थी, सुबह भी परेशान थी, क्योंकि वो एकदम एंड टाइम पर बोलते हैं कि टिफ़िन भिजवा दो, तो फिर मुझे फटाफट अब बिना बोले हुए भी मैं अपना काम टिफ़िन के लिए कर दे रही हूँ। आज पास में ही उनका सूट है, तो अब यहाँ पे मैं मसाला जब तक भूनूंगी, वो मेरा हो गया था तो उसको अच्छे से उधर रख कर पानी गिरा कर, अब जब तक ठंडा होगा तब तक उसमें मैं थोड़ा सा तेल और डाल कर, जब तक मेरा तेल गर्म होगा तब तक मैं उसको अच्छे से भर लूँगी। भरने के बाद मैं उसमें डालूँगी, अब ये मैं एक एक भर कर मैं रख दूँगी, उसके बाद से जब आधा होगा तो फिर मैं इनको फ़ोन करूँगी कि आप भेज दीजिए किसी को खाना लेकर जाने के लिए, मैं तब तक इनका टिफ़िन फिर पैक कर दूँगी। अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ जैसे उनका टिफ़िन पैक करने के लिए, वही सब टिफ़िन पैक कर रही हूँ। तो चावल है, दाल है और नेनुआ के सब्जी है, करेला का वही रहेगा सब्जी रहेगा जो भी है, मतलब उसको भर के जो बोलते हैं भरुआ बोलते हैं वो है। आप लोग के यहाँ क्या भरुआ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ कलौंजी बोला जाता है, तो कलौंजी है। अब वो टिफ़िन पैक कर दी, तब तक वो जो लेने के लिए आए हुए हैं तो उनको बोल दी कि पहले भैया आप खा लो, खा कर जाओ फिर उनके लिए आप टिफिन लेकर जाओ, उतना लेट हूँ तब तक बनी रहा था तो खाए, क्योंकि हो चुका था, हो चुका है। खाना वाना सारा पैक करवा दी, भिजवा दी, खाना भिजवा जुआ कर फिर मैं
अब थोड़ा बहुत किचन का सफाई है वो कर लेती हूँ फटाफट, क्योंकि बर्तन भी सभी इकट्ठा करके जाना है, मुझे फेशियल भी कराना है, उसका व्लॉग कल आएगा, कल दिखेगा। क्योंकि मेरा अभी मतलब बोलूँ तो अभी पता नहीं क्यों इस टाइम ऐसा अजीब सा कुछ मेरे अंदर लग रहा है कि मतलब पहले हम 10-15 दिन महीना दिन से सब तैयारी करके रखती थी, अभी पता नहीं क्यों ये सब का कुछ मन ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बोलूँ तो अभी तक साड़ी तो लेकर रखी, नहीं ब्लाउज, नहीं फॉल, कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन सब ब्लाउज है तो काम चल जाएगा दूसरे पे, वो उसमें मैचिंग है, लेकिन फॉल का देखती हूँ। तो चलिए हम मिलते हैं डायरेक्ट फिर अब से अपने किचन में, क्योंकि किचन का भी काम अभी कुछ बाकी है, बर्तन इकट्ठा कर दूंगी, वो आएगी तो अपना धोएगी, फिर निकलूंगी। सोच रही हूँ क्या लूँ इस टाइम, तो जो भी लूँगी आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी, ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो। थोड़ा बहुत आप लोग से बात करके ये सब करके मतलब मुझे अच्छा लगता है, नहीं तो पूरा दिन वही घर में बैठी रहती हूँ बोर होकर, और मुझे कहीं उतना घूमना फिरना भी पसंद नहीं है, तो इसी में बिजी रहती हूँ। तो मुझे खुद को अच्छा लगता है, जो अच्छा लगे वही करना चाहिए, कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है उस पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया है, अगर आप अच्छा करेंगे तो भी आपको जिनको बुरा बोलना होगा वो बुरा ही बोलेंगे, जब आप बुरा करेंगे तो खैर बोलेंगे ही। तो भाई अपना मन का सुनो, अपने आप में खुश रहो, अपने आप से प्यार करो, अपने फैमिली से प्यार करो, बाकी दुनिया में कौन क्या है आज तक किसी मतलब कोई भी हो किसी का खुशी नहीं देख पाता है, तो अपने लिए जियो, खुद के लिए जियो, और अपने बच्चों लोग के लेके मतलब सॉरी बच्चों के लिए जियो, वही अपना जिंदगी है। हम तो खुश रहते हैं, मैं अपने में ही खुश रहती हूँ, बाकी का मतलब इसके लिए मुझे कौन क्या बोलता है मुझे फर्क भी नहीं पड़ता है, नहीं तो फिर अगर फर्क पड़ता तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं आती। लेकिन इसमें सबसे पहले बोलूँ तो मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट किए हैं इसमें, तो आज ये उन्हीं लोग की वजह से मैं यहाँ तक हूँ। तो चलिए मिलती हूँ किचन में फिर। इसमें जो करेला का भर के बनाई थी वो भिजवा दी सारा, सब लोग खा चुके हैं। देखिए 4:30 बजे उठने के बावजूद भी मेरा इतना लेट हो जाता है, यहाँ पे सारा बर्तन इकट्ठा कर रही हूँ कि राधिका आएगी तो अपना धो लेगी, और जो किचन का है उतना दूर मैं क्लीन कर देती हूँ, बाकी वो आती है तो बर्तन धो देती है, अपना क्लीन कर लेती है, वही अपने हाथ से करना होता है ना, तो ये भी हम कर लेते तो गंदा लगता है। फिर भी अब यहाँ से करके थोड़ा सा मुझे जाना है फेशियल कराने के लिए, तो मैं अब जा रही हूँ फेशियल कराने। अभी किचन उचन क्लीन हो गया मेरा, सिर्फ सिलप जो है वो क्लीन की, बर्तन जो है इकट्ठा कर दी, अब सब थोड़ा बहुत और है। अब बच्चे अपना खाना खाकर, नाश्ता तो हो चुके, खाना वाना खाकर अपना उधर रख देंगे। यही होता है कि जब हम अपना खुद से करते हैं ना तो हमारा सारा काम आसानी से हो जाता है, और दूसरे के भरोसे छोड़ दो, लाइट बंद कर देती, अगर दूसरे के लिए मतलब ये होता है कि नहीं मतलब हाउस हेल्पर है तो आएगी तो करेगी, तो क्या होता है ना बर्तन इकट्ठा होते रहता है, अजीब सा लगता है। अब मैं नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मैं खुद अपने आप से करूँ झाड़ू पोछा बर्तन, मैं खुद से करूँ, लेकिन ये मुझे बोलने लगते हैं क्योंकि मुँह दर्द होने लगता है मेरे कमर में बहुत ज़्यादा, कुछ प्रॉब्लम है इसके वजह से मुझे नहीं करने देते हैं, नहीं तो फिर उतना गंदा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। क्या हम अपना फटाफट जो भी काम है हम कर और के हम थोड़ी देर सो जाते हैं, लेकिन आज मुझे बहुत काम है, सोना नहीं है। सबसे पहले मुझे आकर फिर से मेहंदी उदी बाल में लगाना है, 2-3 घंटा पार्लर में जाएगा, फेशियल नहीं करूँगी, क्लीन अप करा लूँगी। तो देखती हूँ जो भी होगा मैं आप लोग से ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए सारा काम तो हो गया है मेरा, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप भर भर का प्यार दीजिए मुझे भी। अभी मेरा बेडरूम पड़ा हुआ है वैसे ही, सुबह उठकर तो ऐसे बिस्तर कर लेती हूँ, लेकिन बच्चे रहते हैं तो पता ही कैसा हो जाता है रूम। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।